वेलकम बैक टू दी चैनल। आप जैसे कि थंबनेल आप देखे हैं कि हमने इनविटेशन बनाया हुआ है इंडिपेंडेंस डे का, और इस वीडियो में मैं आपको वही जो आप सेम थंबनेल देखे हो वैसा ही इनविटेशन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि हम इंडिपेंडेंस डे का इनविटेशन कैसे बनाते हैं वर्ड में, एमएस वर्ड को यूज़ करके। तो पहले अपने हम वर्ड में आ जाते हैं। वर्ड में आने के बाद हम यहाँ पे पहले अपने पेज का जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट से हम लैंडस्केप मोड में करेंगे। तो हम लोग को ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए पहले हम जाएंगे लेआउट ग्रुप में। लेआउट में जाने के बाद हम यहाँ ओरिएंटेशन में जाके और यहाँ पे हम इसे लैंडस्केप कर देंगे। फिर लैंडस्केप जैसे ही हो जाएगा अपना, तो हम यहाँ पे साइज़ में जाएंगे और साइज़ A4 चूज़ कर लेंगे। अगर आपका A4 चूज़ नहीं होगा तो आप इसे पहले चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ मार्जिन में जाके हम यहाँ पहले नैरो कर देंगे। तो ये पहले हमारा पेज सेटअप हो गया। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे वो होगा कि हम अपने डिज़ाइन में जाएंगे। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करते हैं तो पेज बैकग्राउंड आपको एक टैब ग्रुप देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाके और ये जो है पेज बॉर्डर पे हम पहले करेंगे। और यहाँ पे एक हम बॉर्डर, एक सुंदर सा हम यहाँ पे बॉर्डर ऐड करेंगे। तो बॉर्डर ऐड करने के लिए हम यहाँ से एक स्टाइल कोई चूज़ कर लेंगे जो आपको सूटेबल अच्छा डिज़ाइन लगे, बट मैं रेफर आपको ये करूँगा। फिर इसका कलर हम चेंज कर देंगे। इसका कलर जैसे कि मैं मोर कलर्स में जाके मैं इसका कलर ऑरेंज कर देता हूँ और फिर इसे ओके कर देते हैं। अब ये होने के बाद इसके विड्थ को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, मोटा कर लेंगे और फिर यहाँ देख लेंगे ये प्रीव्यू कि ये हमारा ऐसा दिखेगा। फिर इसे हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम यहाँ पे पेज बॉर्डर ऐड कर दिए। अब हम यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग के लिए हम कुछ यहाँ पे शेप्स का यूज़ करेंगे। शेप्स लेने के लिए हम जाएंगे यहाँ शेप्स में, इंसर्ट में जाके शेप्स में जाएंगे। शेप्स में जाने के बाद हम पहले यहाँ पे फर्स्ट में हम लेते हैं एक ट्रायंगल। ट्रायंगल हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बड़ा सा। और फिर ये होने के बाद हम इसे राइट एंगल पे एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा बड़ा हो गया है। अब हम इसे थोड़ा जूम आउट कर लेंगे, मतलब थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। फिर ये होने के बाद इसे हम रैप टेक्स्ट करके हम इसे स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर नहीं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं। और फिर इसका हम कलर चेंज करते हैं। तो इसका हम कलर चेंज करने के लिए हम इसमें फिल कर देंगे पहले ऑरेंज कलर, और ये आउटलाइन हो गया। सेफ फिल में जाके हम पहले यहाँ ऑरेंज चूज़ कर लेंगे और ये हमारा हो गया। ये होने के बाद इसे हम पहले अच्छे से मार्की से पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम मूव करके बॉर्डर बनाने के लिए इसको और थोड़ा छोटा करते हैं। इधर से इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं पहले। अब हम इसे लेके जाएंगे इस बॉर्डर पे और यहाँ देख लेंगे एडजस्ट करके ये हमारा अच्छा दिख रहा है। और फिर हम इसी शेप का क्या करेंगे, हम डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए हम कंट्रोल को होल्ड करेंगे और अपने माउस से इसे हम ड्रैग करेंगे। तो ये एक डुप्लीकेट इसका बन गया। अब इस शेप को हम थोड़ा इसे छोटा कर लेंगे, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसे ले जाके हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इसको प्लेस करने के बाद इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, और छोटा होने के बाद इसको हम यहाँ प्लेस करते हैं, अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। और फिर इसका हम पहले कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम जाके इसका हम फ्लैग के अकॉर्डिंग हम इसको सेव फिल में जाके हम इसको फ्लैग के अकॉर्डिंग इसमें एक कलर ऐड कर देते हैं। तो पहले हम यहाँ से कलर चूज़ कर लेते हैं। और ये हमारे फ्लैग के अकॉर्डिंग हम इसमें ये कलर डाल देते हैं। ये करने के बाद अब हम यहाँ जाएंगे सेप आउटलाइन में। सेप आउटलाइन में जाने के बाद हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे वाइट कलर, और वाइट कलर चूज़ करने के बाद हम फिर से सेप आउटलाइन में जाके इसका जो वेट होगा हम इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। फिर मोर लाइन्स पे हम यहाँ करेंगे और यहाँ जो आप विड्थ से देख रहे हैं तो इसको हम कर देंगे, इसको हम 7 तक एटलीस्ट ले जाएंगे ताकि ये हमारा थोड़ा मोटा दिखे। तो इसको हम 7 पे ले जाते हैं, थोड़ा और इसे मोटा कर देते हैं। अब ये हमारा बढ़िया दिख रहा है। तो इसे हम ऐसे करके फिर हटा लेते हैं। फिर देख लेते हैं ये हमारा सेप अच्छे से फील हो गया है। तो अब इसे ले जाके हम यहाँ पे इसको पहले करके पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग करने के लिए हम शिफ्ट को होल्ड कर लेंगे और यहाँ पे दोनों पिक्चर्स को सेलेक्ट करके इसको ग्रुपिंग कर लेंगे ताकि एक साथ ये हमारे घूमे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ग्रुप ऑप्शन मिलेगा आपको देखने को, फिर इसे हम ग्रुपिंग कर लेंगे। तो ये जो है एक, ये जो दो पिक्चर था मतलब इंसर्ट था वो अब एक हो गया। अब इसे ले जाके हम यहाँ पे ऐसे ऐड कर देंगे, ऐसे अच्छे से इसे हम यहाँ बॉर्डर पे ऐड कर देंगे। तो ये आप देख रहे हो कि अच्छा दिख रहा है। फिर इसका हम एक डुप्लीकेट बना लेंगे, इस शेप का हम डुप्लीकेट बना लेंगे यहाँ, और इसे भी ले जाके अपने नीचे वाले बॉर्डर पे इसे ऐसे ऐड कर देंगे। इसको हम पहले ड्रैग करके जैसे उस शेप को हमने ऐड किया है इसे भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारा
बढ़िया लिख रहा है, मतलब अच्छे से सेट हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम यहाँ पे अपना जो फ्लैग का जो चक्र होता है यहाँ पे चक्र ऐड करेंगे। तो चक्र आप जाके पहले गूगल से आप सर्च करके एक चक्र का इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसका बैकग्राउंड रिमूव करके आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने डाउनलोड करके बैकग्राउंड रिमूव करके रखा है, फिर इसे इंसर्ट कर देंगे हम यहाँ पे। इंसर्ट करने के बाद इसे हम रैप टेक्स्ट पे जाएंगे और स्क्वायर करके इसे हम मूव करेंगे। पहले ये रैप टेक्स्ट, फिर स्क्वायर करके हम यहाँ इसे मूव करेंगे। हम देखेंगे कि ये अच्छे से सेट हो गया है, इसे थोड़ा और बड़ा कर लेंगे और इसे हम अच्छे से अपने पेज पे सेट कर देंगे। ये पूरे मिडिल में सेट हो गया है। अब इसके बाद हम जो है इसमें मैटर्स अपना डालना शुरू करेंगे, जो जो हमको इनविटेशन में लिखना है। यहाँ फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे और थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए हम एक चीज़ और लेंगे, डिश डिवाइस जाके, मतलब आप जाके एक और फोटो अपने फ्लैग का डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने किया है। इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर इंसर्ट करके इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करके इसको भी रैप टेक्स्ट करके इसको मूव करने के लिए हमें रैप टेक्स्ट करके फिर स्क्वायर करना होता है। इसे भी हम मूव कर लेंगे, फिर यहाँ इसे हम एडजस्ट करके छोटा कर लेंगे। थोड़ा सा थोड़ा छोटा होने के बाद इसे हम यहाँ पर ले जाके ऐसे थोड़ा और छोटा कर देंगे। मैं थोड़ा पेज को बड़ा कर लेता हूँ ताकि देखिए क्लियर। फिर इसको हम थोड़ा और छोटा कर देंगे यहाँ ऐसे, और इसको हम अच्छे से, हाँ ये हमारा सेट हो गया है। इसके बाद हम पेज को छोटा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये हमारा बढ़िया दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा थोड़ा सा इसको हम और छोटा कर लेंगे। हाँ अब ये जो इतना छोटा हो गया इसको हम रहने देंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करेंगे, हम नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे मैटर्स ऐड करना रहेंगे। तो पहले हम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखेंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और टेक्स्ट बॉक्स में आके टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा जूम कर लेते हैं। और यहाँ क्या करते हैं, इसको इसके जो डाटा है इसके जो सारे डाटा को हम पहले यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। डिलीट होने के बाद अब मैं यहाँ पे आपको अगर टेक्स्ट एक एक करके लिखूँगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं जो पहला जो बनाया हूँ मैं उसी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अभी। तो मैं अपने यहाँ दूसरे में चले जाता हूँ और यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे ये लिखा हुआ मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो इसे कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लेंगे, फिर अपनी ये जो हम बना रहे इसमें आएंगे, इसमें कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। अब ये पेस्ट होने के बाद इसे हम एडजस्ट कर लेंगे, जैसे जैसे वो है इसे भी हम एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। और इसे हम अब जैसे कि इसको हम ऐसे यहाँ पे मूव कर देंगे। तो मूव करने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि ये हमारा मतलब जो अच्छे से थोड़ा क्लियर दिखे। तो इसको हम एक बार और बड़ा करके देखते हैं, नहीं बड़ा करने पर अच्छा नहीं दिखेगा, सेट भी नहीं होगा पेज में, तो हम इसको छोटा ही रहने देंगे। फिर छोटा होने के बाद यहाँ पे हम फॉर्मेट में आएंगे। ये जो आप लाइन देख रहे हो इसका एक बॉर्डर बन गया है। इसके बॉर्डर को हम क्या करेंगे, पहले सेफ फिल को नो कलर कर देंगे, फिर जो इसका आउटलाइन है उसको भी हम नो कलर कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो है हमारा अच्छे से सेट हो गया यहाँ पे। अब जो है नेक्स्ट मैटर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट मैटर ऐड करने के लिए फिर से हम टेक्स्ट बॉक्स को लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में जाकर यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और फिर से हम इसका डाटा मतलब क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। फिर से हम अपने यहाँ पे जो मैंने दूसरे अपने पेज में डाटा लिया है अब उस मैं उसे फिर से कॉपी पेस्ट करूँगा। तो ये वाला जो मैंने डाटा लिया है अब इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। यू आर इन्वाइटेड टू सेलिब्रेट ऑन नेशंस बर्थडे। अब फिर से मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी। फिर यहाँ मैं कंट्रोल से मैं कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद इसे हम एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये एक लाइन में आ जाए और फिर इसे मूव करके जैसे कि वो वहाँ पे सेट है अब इसे हम इसे यहाँ पे ऐसे सेट कर देंगे अच्छे से। और फिर से इसका भी हम फॉर्मेट में जाके इसका फील से फील नो कलर कर देंगे और आउटलाइन भी इसका नो कलर कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैसा ही सेम हो गया है। अब फिर से हम एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। अब हम सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स का काम है, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। पहले इसे हम डिसलेक्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। फिर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद इसका भी डाटा रिमूव कर देते हैं। फिर उस पेज से हम एक डाटा लेके आते हैं 75th इंडिपेंडेंस डे, हम यहाँ से ये वाला उठा के उसमें ले जाते हैं। ये हमें जो वहाँ पे भी टाइप करना है तो इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फिर कॉपी पहले कर लिए, फिर यहाँ से अब इसे हम पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट होने के बाद इसका जो मार्जिन है इसको हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसको हम फिर होम में जाके इसको सेंटर कर देते हैं, सेंटर अलाइन कर देंगे। फिर तो ये हमारा सेट हो जाएगा। तो फिर इसे हम मूव करके नीचे ले जाएंगे जैसे कि वो वहाँ पे सेट था, हम यहाँ पे इसे ला दिए। अब इसे ये यहाँ पे अच्छे से सेट हो गया। फिर इसका भी जाके हम सेव फिल और सेव कलर हम यहाँ से हटा देंगे। इसका आउटलाइन दोनों हटा दिए हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा और बड़ा अगर हो जाता है यहाँ पे, आप जाके आप चाहते हो तो यहाँ से आप जाके इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और इसका साइज भी और बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं। तो हम इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। और फिर इसे थोड़ा हल्का सा ऊपर हल्का सा ऐसे साइड में मूव कर देते हैं। तो ये हमारा ऐसे
अच्छा दिखने लगा। तो फिर से अब हम फिर से एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स लेंगे यहाँ। न्यू टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए फिर से हम इंसर्ट में जाकर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे एक न्यू। फिर यहाँ पे हम ये इसे रिमूव कर देंगे इसके डाटा को। फिर यहाँ पे जो हम अपने फिर से दूसरे पेज पे चले जाएंगे जो कि मैंने पहले से बना के रखा है, और यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लूँगा। ये जो मीटर है इसको मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी पेस्ट। फिर यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पे। फिर से ये भी जो ऐड हो गया, अब इसे भी हम ले जाके नीचे जो था हमें मूव कर देंगे यहाँ पे। ये ऐसे मूव होने के बाद फिर से इसका भी हम सेफ फील और ये जो नो करना था जो हम करते आ रहे हैं वो कर लेंगे। पहले इसे सेलेक्ट कर दे, डिसलेक्ट हो गया है। फिर हम यहाँ पे फॉर्मेट में चले जाते हैं और इसका सेप आउटलाइन इसका नो कलर कर देते हैं, और फिर इसे हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देते। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जैसे था वैसे ही सेट हो गया। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं हम इसे, तो यहाँ पे अच्छे से सेट हो गया है। अब हम यहाँ देख रहे हैं जो हम यहाँ पे लिखे हैं उसमें स्पेलिंग एरर दिखा रहा है। ये जो आप ब्लू ब्लू लाइन देख रहे हो यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है। तो इस एरर को सही करने के लिए हम इसे पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेलेक्ट करने के बाद हम रिव्यू पैनल में जाएंगे। रिव्यू पैनल में जाने के बाद यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर फिर से करके यहाँ पे इग्नोर वंस ऐसे हम करते जाएंगे। इग्नोर वंस कर देंगे, सब इग्नोर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे यस एक टैप कर देंगे, तो फिर ये जो हमारा स्पेलिंग चेक था वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेलिंग चेक हो गया। अब हम यहाँ पे जो जिसको हमको इनवाइट करना है वो उसका नाम यहाँ पे लिखना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे फिर से एक इंसर्ट टैब में जाते हैं। फिर यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं चीफ गेस्ट। जिसको हमको इन्वाइट करना रहेगा उसको हम चीफ गेस्ट बोलते हैं। चीफ गेस्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे, चीफ गेस्ट हम यहाँ पे लिख लिए। फिर इसको हम क्या करते हैं, थोड़े इसके फॉन्ट को और इन सबको हम चेंज कर लेते हैं जो कि थोड़ा अच्छा दिखे देखने में। तो ये जो फॉन्ट है ये भी अच्छा दिख रहा है, इसे हम बोल्ड कर देते हैं पहले। बोल्ड करने के बाद इसका हम कलर जो है चेंज कर देते हैं। मैं इसका येल्लो कर देता हूँ कलर, येल्लो से अच्छा मैं इसका थोड़ा ऑरेंज ही टाइप में जो कलर है वो कर देता हूँ। फिर ये इसमें आके फिर इसका जो है फॉर थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा करने के लिए पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये इतना बड़ा ठीक लग रहा है। फिर यहाँ से हम जाएंगे फॉर्मेट में और इसका जो आउटलाइन है पहले हम इसे रिमूव कर देंगे आउटलाइन, और इसका जो सेफ फिल है इसे हम नो कलर कर देंगे और सेफ फिल यहाँ से नो फिल कर देंगे। और फिर से इसे मूव करके यहाँ पे हम इसे अच्छे से सेट कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पेज में कितना मार्जिन बच रहा है। यहाँ पे हम इसे अच्छे से पहले सेट थोड़ा इसे हम और बड़ा कर लेंगे इसको। कि इसको बड़ा करने के लिए मैं फिर से इसे थोड़ा और जूम आउट कर लेंगे हम। फिर जूम आउट करने के बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इस जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। फिर इसे हम मूव करेंगे अच्छे से यहाँ पे सेट होने के बाद इसे हम हटा कर देखेंगे तो ये हमारा अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे हम इंसर्ट में जाएंगे जिसका नाम देना रहेगा उसके लिए हम एक क्या करेंगे, एक जैसे कि फील जैसे होता है एक हम सेप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऐड कर देंगे ताकि यहाँ पे कोई भी अपना नाम यहाँ पे अपना लिख सके। तो ये होने के बाद अब हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं और इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि दिखे किसी को भी। डार्क करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि हम अच्छे से क्लियर दिख रहा है। अब हम यहाँ पे वेन्यू डालेंगे कि यहाँ पे ये जो इंडिपेंडेंस डे का जो प्रोग्राम मतलब जो हो रहा है वो किस जगह हो रहा है, तो उसके लिए हम वेन्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो वेन्यू यहाँ पे जैसे कि मैं अपने दूसरे पेज पर आता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये वेन्यू है। तो इस वेन्यू को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। आपका जो आपका एड्रेस होगा उस वेन्यू को आप कॉपी कर लीजिएगा। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फिर कॉपी पेस्ट करने के बाद अपने न्यू टैब में मतलब जिसमें मैं अभी बना रहा हूँ उसमें चले जाता हूँ। फिर यहाँ पर जूम कर लेते हैं हम। फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आप यहाँ पे उसे पेस्ट कर देंगे, जो आपको लिखना होगा वो आप लिख के यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद हम इसे मूव करके नीचे लेके आएंगे। यहाँ सबसे लास्ट में वेन्यू होता है, तो यहाँ हम इसे अच्छे से ऐसे प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद यहाँ पे भी हमारे पास एक ग्रामर एरर दिखा रहा है, तो पहले इसका हम कलर चेंज कर देते हैं और सेफ फिल नो कर देते हैं, और इसका आउटलाइन जो है इसको हम चेंज कर देते हैं। और फिर यहाँ जूम करके यहाँ जो हमारा ये स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग है उसको हम जाके रिव्यू से करके फिर यहाँ पे हम इसको इग्नोर ऑल कर देंगे। एक बार इग्नोर ऑल करने के बाद यहाँ सेव कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि जैसा मैंने डिज़ाइन किया होता, जैसे आपने थंबनेल देखा था वैसे ही मैंने यहाँ सेम यहाँ पे इन्विटेशन डिज़ाइन कर दिया है। तो ऐसे ही आप अगर चाहते हो कि अपने इन्विटेशन में और भी मैटर्स ऐड करना तो आप कर सकते हैं। अगर कुछ भी आप स्लोगन्स देना चाहते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे स्लोगन्स दिया हूँ, अगर आपको ये भी स्लोगन अच्छा लगता है तो आप इसे भी ऐड कर सकते हैं।
तो आज का वीडियो दोस्त खत्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।